बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। और आज इस सेशन में मैं कई सारे कमेंट्स जो आते हैं उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, और कई कॉमन मिस्टेक्स जो हैं एस्पिरेंट्स की उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। आप कॉमनली आप देख लें कि हर जगह पे जॉब सर्च का प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ पे देखें जॉब्स की शॉर्टेज भी है, जॉब्स का प्रॉब्लम भी है, और जहाँ पे जॉब होती हैं वहाँ पे एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक आधी सीट होती है तो हज़ारों लोग जो है उस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। और FPSC की बात की जाए, PPSC की बात की जाए, या बाकी जितने भी सिविल सर्विस जॉब्स हैं उनकी बात की जाए तो जॉब बहुत कम आती है और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ कितने स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और हर एक को जॉब में कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की ख्वाहिश होती है सिवाय चंद एक के। तो अब प्रॉब्लम होता है कि एक सख्त किस्म का कंपटीशन। अब जब कंपटीशन रिक्वायरमेंट है, ये तो क्लियर बात होगी, क्योंकि तुक्केबाजी से कोई भी कम्पीट नहीं करता। जितने भी आज तक किसी पोजीशन पे बैठे लोग हैं, आप उनसे मिले तो वो अपनी मेहनत का कोई ना कोई किस्सा सुनाएंगे, अपने हार्ड वर्क का अपनी कोई स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, एक मंजिल पर पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। ये नहीं है कि कामयाबी को हासिल करने के लिए मैंने जो रास्ता अख्तियार किया वो फ़ाइनल है, या आपने जो कोई अब तक कामयाबी हासिल की तो जो वो आपने रास्ता अख्तियार किया वो फाइनल है, शॉर्टेस्ट है या सक्सेसफुल है, उसके अलावा भी हो सकता है। लेकिन बात एक ही है, शॉर्टकट की अगर बात की जाए कि सक्सेस के लिए शॉर्टकट क्या है, तो वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क और स्ट्रेटजी प्लान करना, और उस स्ट्रेटजी को जो है इम्प्लीमेंट करते हुए अचीव करना, ये है मेन चीज़। जो कि जिस रास्ते को अख्तियार किए बगैर कोई भी अपने रास्ते पे या अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपने सही रास्ते का इंतखाब नहीं करता। तो अब बड़े एक दुख की बात होती है, मैंने रिपीटेडली जितना हो सकता है एडवाइस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी शॉर्टकट के चक्कर में न पड़े। अब आजकल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, PMS CSS जिसकी बात की जाए, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम 1 से 2 माह पढ़ें, 1 से 2 वीक में पढ़ें और हम सक्सेस ले लें। भाई कोई पुराने वक्तों की बात होगी तो वो हो जाता होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चंद सीटें होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके टैलेंट को ही वैल्यू मिलेगी। अब मार्केट में कहीं पर भी जाएँ, जो स्टूडेंट है वो MCQs पैटर्न की बुक लेता है, सबसे बड़ा गलत रास्ता। अब आपको, मुझे नहीं पता कि कितने जो हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं और कितने दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी ये बात सुन रहे होंगे। अब आपको आइडिया होगा, अगर आपने कभी MCQs पैटर्न की बुक को याद करने की कोशिश की हो, और आप एक चैप्टर जिस पे 100 से कम सवाल आते हों उसको तो आप रट्टा लगा सकते हैं, क्रैमिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि एक बुक में 2 से 3000 तक क्वेश्चन हों और आप चैलेंज करें कि मुझे ये सारे आते हैं, सिवाय इसके कि इंतहाई कोई बेवकूफ़ हो जो रट्टा लगाए और वो सारे याद कर ले और कहे कि मुझे आते हैं। और उससे भी अगर कहा जाए कि एक टॉपिक पे जो MCQs हैं उस पे अब अगर आपको स्पीच करना पड़े या आपको प्रेजेंटेशन देना पड़े इस चीज़ के बारे में बताएं, तो वो बता सके, आई एम श्योर ही विल नॉट इन पोजिशन कि वो अपनी इस चीज़ को इजहार कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो यह सबसे पहला गलत कदम है। अब जो ही मार्केट में एंटर होते हैं, किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो बुक्स की भरमार होती है और सब की सब MCQs पैटर्न पे, तो क्या होता है, हासिल कुछ नहीं होता, पढ़ पढ़ के खर्चे करके कुछ भी हासिल नहीं होता। अब दूसरी तरफ चले जाएं, CSS का एस्पिरेंट जो 3 दफ़ा अटैम्प्ट करता है CSS को, राइटिंग रिटन पेपर भी क्वालिफाई फल किया नहीं कर पाता, तो भी वो 1 पेपर MCQs में अगर जाता है तो ईज़िली उसको
पास कर लेता है। वजह, क्योंकि उसके कंसेप्ट बेहतर हैं, क्योंकि उसने चीज़ों को थ्योरेटिकल पढ़ा है, उसकी थ्योरीज जो हैं वो बेहतर हैं, उसने थ्योरेटिकल जो अप्रोच यूज़ की हुई है उससे उसके कंसेप्ट हैं। अब वो पेपर में बैठता है तो कॉमनली अगर एक ने पढ़ा हुआ एक ने नहीं पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन 40 के करीब ऐसे होते हैं जो कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, किसी ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा, वो थोड़ी सी अपना जो क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन मास्टर होती है उसकी बेसिस पे वो 40 तक अटेम्प्ट कर लेता है। अब बात आती है उसके बाद कुछ नेव सिस्टम की, तो 10 नंबर उसमें ऐड हो जाते हैं, यानी कि किसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, किसी के जो है वो टीवी ड्रामा देखता था उसका नॉलेज बेहतर है, वो टीवी टॉक शोज़ देखता है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इल्म हासिल करता है, उसकी ग्रिप बेहतर होती है, तो वो 10 एक नंबर उसकी बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन वो ले लेता है। अब डिपेंड करता है कि किस बंदे ने सही डायरेक्शन में कंसेप्ट लिए हुए हैं, तो 20 से 25 नंबर जो हैं वो उस चीज़ के लीड करता है। तो ये जो चीज़ एरिया होता है जो तो कंसेप्ट होते हैं, और यहाँ पे वो ये 20 25 पे श्योर नहीं होता, यहाँ पे भी वो जो होता है कैलकुलेटेड गैस। अब यहाँ पे अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें, कंसेप्ट की बात करें, तो ये हमें किसके करीब ले के जाता है, अगर एग्जैक्टली राइट की बात की जाए तो एग्जैक्टली राइट ना भी ले जाए तो हमें एक पेपर में 20 से 25 नंबर जो हैं वो कैलकुलेटेड गैस की तरफ लेके जाता है। जब कैलकुलेटेड आपका गैस होगा तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कोई भी एकेडमी, कोई भी इदारा, कोई भी बुक आपको 100% चैलेंज नहीं करती कि आप ये पढ़ें, यहाँ पे तैयारी करें, आपका जो पेपर होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का या सिविल सर्विसेज का आप 100% अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन आपके अगर 75% तक भी वो टच करता है नॉलेज एरिया तो 75% बहुत नंबर होते हैं। अगर इनमें भी कुछ गलती करें तो 70 ले जाएं, और बाकी जो 30 मार्क्स आप कैलकुलेटेड जो इस्टीमेटेड जो गैस जाए वो सिर्फ इस्टीमेट पे नहीं बल्कि कैलकुलेशन के बाद आप करते हैं, तो यहाँ पे भी 30 मार्क्स में भी 10 से 15 आप ले जाते हैं, तो ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो क्या वजह है कि हम MCQs पैटर्न जो हैं, MCQs पैटर्न बुक्स जो पेपर्स होते हैं उनकी लेक्चर्स के थ्रू जो है तैयारी करवाते हैं? वजह, वो कई सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स लेते ही नहीं है कि हमें पेपर जो है वो MCQs पैटर्न का देना है तो थ्योरी क्यों पढ़े। भाई बात ये है कि जो पढ़ाने वाला है या तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ है या फिर आपको ये चीज़ समझने में दुश्वारी आ रही है कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, हमने जो चीज़ें देखी कि कभी भी किसी टॉपिक को जब हम पढ़ के गए तो उसमें मिस्टेक्स नहीं होती, और जो MCQs पैटर्न की तैयारी कभी करके गए किसी टॉपिक की तो 10 क्वेश्चन आए हैं तो 3 ही ठीक हुए हैं। अगर आपका उस टॉपिक पे पूरी ग्रिप है तो आपके, मैं कहता हूँ, जैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए तो 10 में से आपके 8 से 9 नंबर लाजमी होंगे। तो ये डिस्टिंग्विशिंग चीज़ें होती हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लीड करती हैं। तो कल मेरा एक स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कर रहा था कि MCQs पैटर्न जो पेपर है उसके लिए लेक्चर्स क्यों? तो ये आपको मैंने जितनी बातें बताई ये सारी की सारी उसी के जवाब में थी। तो ये मेरा मेन एरिया था जो मैं आपको कन्विंस करना चाह रहा था, फोकस आपका इस तरफ लेके जाना चाह रहा था। अगर आप किसी एकेडमी को नहीं भी ज्वाइन करते, आप, हमने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए एफर्ट करके आपको एक जगह पे चीज़ें दे रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उनको लर्न करना है, टाइम डेडिकेट करना है। जबकि खुद करेंगे तो आपको थ्योरी की जो बुक्स हैं CSS लेवल की उनको पढ़ना चाहिए, उनको रीड करें, उनके हर आर्टिकल को डिटेल में पढ़ें, उसके बैकग्राउंड में जाएं तो आपके कंसेप्ट बनेंगे। आप अकेडमी भले को ज्वाइन करें या ना करें लेकिन बात समरी जो है वो आप थ्योरेटिकल बेसिस पे काम करें, चीज़ों को वाइड स्पेक्ट्रम में पढ़ें। अगर MCQs पैटर्न के 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं तो बेहतर है कि 5 घंटों में 2 टॉपिक पढ़ लें जो कि 20 25 मिनट आपको लगेंगे एक टॉपिक को कवर करते हुए, तो 1 घंटा पढ़ लें 5 घंटों में बेहतर है उससे कि आप 10 15 मिनट लगा के जो 10 15 MCQs याद करते हैं और उनमें से अल्टीमेटली याद एक भी नहीं रहता, अल्टीमेटली आपको कन्फ्यूज़ करते हैं कई सारी डेट्स। तो ये चीज़ें जब आप थ्योरी से चलते हैं, चीज़ों को हिस्टोरिकल अंडरस्टैंड करते हैं तो आपकी बेसिस स्ट्रांग होती हैं। तो ये एरिया था जो मैंने आपको फोकस करवाना था। दूसरे नंबर पे आज 31 मई है, तो हमारा जो एवेल्यूएशन ऑफिसर है उसके कल से स्टार्ट हो रहे हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जिनकी अच्छी तैयारी है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
और जिनकी तैयारी नहीं है वो हमारे क्लासेस जो है जो नया सेशन और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में पेपर होने हैं, तो उससे पहले अगर नहीं होते तो जुलाई तक आप एक्सपेक्ट रखें पेपर होने की। अगर लॉकडाउन होता है तो भी ये अल्टीमेटली ईज़ होगा, नहीं होता और मोस्ट चांसेस हैं कि नहीं होगा क्योंकि हालात सारी दुनिया में जो लॉकडाउन है वो ईज़ हो रहे हैं, तो ये आपके लिए जो टाइम है ये अपॉर्चुनिटी है, इसको सो के या अपना घूम फिर के ज़ाया ना करें, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको यूज़ करें और अपने नॉलेज को बिल्ड करें। तो हमारा जो कल से नए जो लास्ट बैच तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली असिस्टेंट डायरेक्टर नायब है, वैल्यूएशन ऑफिसर है, जिनकी तैयारी अभी तक नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए, पेट्रोल ऑफिसर के लिए। और हमने नया कोर्स स्टार्ट किया है AD ANF का। इसके अलावा OG2 की क्लासेज हैं और इलेक्शन ऑफिसर की अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए जो आपके वो भी हम ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा नया सेशन जो है इंग्लिश लर्निंग कोर्स, वो भी नया बैच जो है वो पर मंथ नए हर महीने के स्टार्ट में जो हम स्टार्ट चलाया करेंगे इंग्लिश लर्निंग कोर्स, उसके लिए भी नए सेशन की जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एकेडमी को। और हमारी वेबसाइट का लिंक है www.harvardacademy.com। आप अपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9233570626। और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की आप भी मेहनत करें, 1 महीना अच्छे तरीके से लगा लें, आपके लीड करना एक्सेल करना आसान हो जाएगा थ्रू कंसेप्चुअल प्रिपरेशन। MCQs पैटर्न बुक्स को फॉलो अगर आप करना चाहते हैं तो उनको एज ए प्रैक्टिस, जब आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएं, जब आपके टॉपिक्स पे ग्रिप हो जाए तो आप उधर उसकी तरफ जाएं। मुझे दुआ में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।